दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं जिसमें YouTube वीडियोस को आप कॉपी पेस्ट करके उस प्लेटफॉर्म पे मोनेटाइजेशन के थ्रू एड्स चलाकर अपने अर्निंग कर सकते हैं, वो भी हाई, यानी कि काफी ज्यादा आपकी अर्निंग होने वाली है उस प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब वीडियोज को कॉपी पेस्ट करके। इसलिए वीडियो को पूरी देखना जिससे दोस्तों आप भी यहाँ पर अर्निंग कर पाए और आपको कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं करना होगा। पहले दिन से ही पहली वीडियो पर आपकी एड्स चलनी शुरू हो जाएंगी और आपकी अर्निंग होना भी हो जाएगी। तो आपको YouTube की तरह 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको पेमेंट प्रूफ भी दिखाने वाला हूं, यानी कि अर्निंग कितनी ज्यादा होती है वहां पर एक वीडियोस पर, यानी कि कुछ सेकंड की वीडियोस पर भी कितनी ज्यादा हाई अर्निंग होती है। इसलिए वीडियो पूरी देखना जिससे आपके समझ में आए, बिल्कुल भी मिस मत कर देना। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है और इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना है, जब भी आपके समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम न लेते हुए। चलिए अब जैसे कि दोस्तों हमने YouTube को ओपन कर लिया है अपने पीसी में, आपने भी अपने मोबाइल में YouTube को ओपन कर लेना है। YouTube को ओपन करने के बाद दोस्तों ये सेम स्टेप को फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ यहाँ पर क्यूट पपीज, तो क्यूट पपीज के नाम से यहाँ पर सर्च करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी मेरे सामने वीडियोज आ जाती हैं जिस पर मिलियनों में व्यूज़ है, 33 मिलियन, 5.2 मिलियन। तो इन वीडियोज से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म की मदद से मोनेटाइजेशन के थ्रू और अपनी वीडियो पर एड्स चलाकर। तो दोस्तों सिंपल तो प्रोसेस है, यहाँ पर जैसा कि आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, फिल्टर के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना, क्रिएटिव कॉमन भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप क्रिएटिव कॉमन ले सकते हैं वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसी वीडियोस भी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपने जरूरी नहीं है कि यही नीच लेना है, आप कोई भी नीच ले सकते हैं। क्यूट पपीज के अलावा भी काफी कुछ है जो दोस्तों आप यहाँ पर उन वीडियोज को कॉपी पेस्ट करके अर्निंग कर सकते हैं बिना कुछ वीडियो बनाए। तो सिंपल से दोस्तों इस वीडियो को मैं जैसा कि प्ले करता हूँ, अब यहाँ पर मैंने ये वीडियो प्ले करी और प्ले करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऐड चल रहे हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस है, आपने इसके यूआरएल पर क्लिक करना है। अब इसके यूआरएल पर क्लिक कर दोस्तों आपने डब्लू पॉइंट से जितना भी सारा है आपने हटा देना है और डबल एस लगा देना है। अब उस पर फिर आपने ओके कर देना है, यानी कि एंटर दबा देना है अपने मोबाइल से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो यूआरएल मिला है उससे आपकी ये डाउनलोडिंग वीडियो आ चुकी है, वरना दोस्तों आप उसके यूआरएल को सेव फ्रॉम डॉट नेट की वेबसाइट ओपन करके उस पर पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा। तो आपने 360 में यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है इस वीडियो को, जैसा कि मैंने पहले से कर रखी है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर वीडियो डाउनलोड कर लेनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा प्रोसेस है, आपने स्टेप बाय स्टेप समझना है। अब देखिए दोस्तों आपने उस वेबसाइट पे आ जाना है जिससे आप अब अर्निंग करने वाले हैं उस वेबसाइट पे, जिसका नाम है rumble.com। ये दोस्तों एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है यूट्यूब की तरह जो आपको अर्निंग देता है काफी ज्यादा हाई, जैसा कि मैं एग्जाम्पल के लिए ये दिखा देता हूँ इसकी वीडियो प्ले कर। यहाँ पर मैंने ये वीडियो प्ले करी और यहाँ पर जैसा कि इस पर व्यू आए हैं 4553, तो काफी ज्यादा इसने अर्निंग कर ली होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको अर्निंग दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए 30 सेकंड की ये वीडियो है, $14 की अर्निंग हुई है। और यहाँ पर 40 सेकंड की फिर से एक वीडियो है, यहाँ पर $83.44 यहाँ पर अर्निंग हुई है, जो कि यहाँ पर YouTube पे नहीं देता इतनी ज़्यादा अर्निंग, इतनी ज़्यादा यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिल रही है। बिल्कुल जेन्युइन प्लेटफॉर्म है दोस्तों, आप भी यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझना है। इस प्लेटफॉर्म पर आसानी से आप रजिस्टर नहीं कर सकते, जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ तभी आप कर पाएंगे, वो स्टेप को फॉलो करने होंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ कुछ सेकंड की वीडियो पर $7, $3, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा होती है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा अर्निंग। तो आपने अब यहां पर करना क्या है, देखिए यहां पर काफी ज्यादा जो व्यूज हैं वो इन पपीज की वीडियोस पर ही हैं, तो आप इन वीडियोस को YouTube से डाउनलोड करेंगे और यहां अपलोड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहां पर साइन इन करना होगा। अब जैसे कि दोस्तों आपको यहां पर साइन इन होना है, तो साइन इन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। साइन इन के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहां पर फेसबुक से हो सकते हैं या गूगल से हो सकते हैं, एप्पल से हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहां पर मैं करके बता देता हूं कैसे आप क्रिएट करेंगे अकाउंट। तो आपने क्रिएट अ रंबल अकाउंट पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों आप इस डैशबोर्ड में ओपन हो जाएंगे, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, फ्री अकाउंट, पब्लिशर अकाउंट, बिजनेस अकाउंट। तो आपने यहाँ पर फ्री अकाउंट पर क्लिक करना है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, अपलोड एंड मोनेटाइज करके आप अर्निंग करेंगे यहाँ पर। तो आपने फ्री अकाउंट पर क्लिक करना है, उसके बाद नेम डालना है, आपने पासवर्ड डालना है, यूजर नेम, पासवर्ड, फिर से ईमेल, आपने रीमेल और कंट्री चूज कर लेनी है आपकी कौन सी कंट्री है। और उसके बाद दोस्तों आप रेफर आईडी भी यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेफर करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म की मदद से, काफी ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर जैसे कि ये सारी की सारी डिटेल मैं डाल देता हूँ पहले से पहले ही। अब ये डालने के बाद दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन आपने सिंपल यहाँ पर यू एग्री कर देना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा सेव पासवर्ड पर क्लिक करके मैं सेव भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर बोला है कॉन्ग्रेचुलेशन, योर अकाउंट इज रजिस्टर्ड रंबल अकाउंट, प्लीज चेक योर ईमेल अकाउंट, यानी कि ईमेल आईडी पर आप चेक करें। दोस्तों सारा का सारा प्रोसेस मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, तो आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखिए जो आपको बता रहा हूँ, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर आप इसे स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिर ईमेल आईडी पर आपको चले जाना है, और ईमेल आईडी पर ऐसा वेरिफिकेशन लिंक आएगा, तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है रंबल अकाउंट के आईडी पर। देखिए जैसा कि यहां पर आपको दिखेगा आपकी जीमेल आईडी पे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपका जो अकाउंट है वेरीफाइड हो चुका है, यहां पर हमारा लोगो भी आ चुका है विकास 321। तो यहां पर दोस्तों अब देखिए क्या करना है, रंबल पर क्लिक करते हैं। अब रंबल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पर आपको उसे और समझना है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप यहाँ से आपने सारी जानकारी ली और चल दिए यहाँ पर वीडियो बनाने, पहले आगे भी समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा ये अकाउंट, आसानी से वेरीफाई नहीं होगा, तो आपको कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो दोस्तों वो वेरीफाई करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पर देखिए पहले आपको दिखा देता हूँ इसका अकाउंट का ओवरव्यू। अकाउंट के ओवरव्यू पर आपने क्लिक करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे कि दोस्तों आप यूट्यूब पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर देखिए जैसे कि हमें यूट्यूब पर एडसिन अकाउंट बनाना होता है, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट मिलता है यहाँ पर आपकी अर्निंग का। और ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पर अपने एनालिटिक्स में चेक कर सकते हैं कितने व्यूज आए हैं, कितनी आपकी अर्निंग हुई है इस महीने इस दिन। तो दोस्तों यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, अकाउंट ऑप्शन है। और भी यहाँ पर दोस्तों जो वेरिफिकेशन आता है वो सबसे ज्यादा मेन है, अगर आप इसे वेरीफाई नहीं कर सकते तो आपका यहाँ पर वीडियोज अपलोड करना मुश्किल है, यानी कि आप यहाँ पर वीडियोज अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसे करने के लिए दोस्तों आपको यहां पर नंबर रजिस्टर करना होगा। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया के लिए ये वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर ये यानी कि प्लेटफॉर्म हमारे इंडिया के लिए नहीं है। तो हम जब भी इसका यूज करके अर्निंग कर सकते हैं, वो कैसे अब वो भी जानते हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले स्टेप है कि आपको एक वेबसाइट पे आना होगा, और वेबसाइट का नाम है twilio.com। अब दोस्तों इसे आपने ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको उसी अकाउंट में जाना है रंबल अकाउंट, और यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने सर्च करना है यूएस। अब जैसे कि यूएस के नाम से ये आपके सामने नंबर आ जाएगा, यानी कि कंट्री कोड हमारे सामने ये आएगा +1। अब हमें यहाँ पर यूएस नंबर चाहिएगा, तो यूएस नंबर लेने के लिए दोस्तों आपने twilio.com पर आ जाना है, वेबसाइट पर साइनअप पर क्लिक करना है। अब साइनअप पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड, ISF और स्टार्ट फ्री ट्रायल। जैसे कि मैं फिल कर देता हूँ ये सारी चीज़। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नए इंटरफेस में ओपन हो जाएंगे। अभी देखिए दोस्तों वेट करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर जो है इन्होंने हमारी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेज दिया है, तो हमें अपनी जीमेल को ओपन करना है। और यहाँ पर जैसे कि मैं इसे ओपन करके रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए ट्विलो के नाम से यहाँ पर वेरिफिकेशन लिंक आ चुका है, और यहाँ पर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है कन्फर्म योर ईमेल। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपने अपना नंबर वेरीफाई करना होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको वेरीफाई नंबर डाल देना है जो भी आपका नंबर है। यहाँ पर जैसे कि मैं डाल देता हूँ अपना नंबर। अब देखिए दोस्तों मैंने ये नंबर डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, जैसे कि मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पर वेरीफिकेशन कोड आपके नंबर पर आ जाएगा, जैसे कि मेरे नंबर पर आ चुका है 7 8 6 4 5 1। अब दोस्तों ये नंबर डालने के बाद आपने यहाँ पर कोड भी डाल दिया और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा, जिस पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जैसे कि यहाँ पर आ चुका है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आप SMS में लेंगे वो कोड, जो नंबर लेंगे आप US का। अब यहाँ पर दोस्तों आप नोटिफाई माई यूज़र पर क्लिक करें, उसके बाद दोस्तों आपने विद माई कोड पर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने JavaScript पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने यस करना है, और गेट स्टार्टेड विद ट्विलो के नाम से यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब देखिए कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड में आप ओपन हो जाएंगे। अब इसके डैशबोर्ड में दोस्तों आपको बाय करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर सारा कुछ फ्री है। आपको फ्री में आपको अकाउंट रजिस्टर करना है ये रंबल अकाउंट का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, तो अब यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर मिलेगा, तो आपने फ़ोन नंबर पर क्लिक करना है अपने लेफ्ट साइड में, फिर मैनेज का ऑप्शन मिलेगा, बाय आ नंबर का ऑप्शन मिलेगा। अब इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने काफ़ी सारे नंबर आ जाएंगे। अभी देखिए आपके सामने दिखाता हूँ मैं कि कितने सारे नंबर आते हैं, लेकिन आपको जो नंबर चाहिए वो US का चाहिए। अब देखिए ये सारे नंबर आ चुके हैं,
तो आपने यहाँ पर अपना यूएस सेलेक्ट कर लेना है, यूएस यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पर यूएस का नंबर ही यहाँ पर वेरीफाई करना है, तो आपने यहाँ पर यूएस सेलेक्ट करके सर्च कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सर्च जैसे ही हम करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी सारे नंबर आ जाएंगे यूएस के रिलेटेड। अब हमें यहाँ पर बाय पर क्लिक करना है। अब बाय पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको पहले तो इस नंबर को कॉपी कर लेना है। आप इस सेम प्रोसेस को अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा हार्ड काम नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब उसके बाद आपने वेरीफाई के लिए बाय पर क्लिक कर देना है, अपने इधर के साइड में आपको मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये सारा का सारा प्रोसेस देखने को मिलेगा इसके डैशबोर्ड में। अब आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देना है इसको। अब जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं, तो अब देखिए दोस्तों आपका जो नंबर है वो बाय हो चुका है, यानी कि एक्टिव हो चुका है। तो सिंपल सा दोस्तों, आपने उस रंबल अकाउंट में चले जाना है और यहाँ पर आपने उस नंबर को यहाँ पर डाल देना है जो आपने यहाँ से कॉपी किया था Twilio.com से। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, यहाँ पर कट पर करना है निशान पर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैसेज लॉग, तो मैसेज लॉग में चले जाना है। मैसेज लॉग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेंड वेरिफिकेशन कोड पर भी क्लिक कर देना है रंबल अकाउंट में जाकर। अब यहाँ पर देखिए आपके इस नंबर पर कोड सेंड कर दिया है इन्होंने, रंबल वालों ने। तो सिंपल फिर से आपने Twilio.com पर चले जाना है और यहाँ पर मैसेज लॉग पर जाकर आउटगोइंग को इनकमिंग में बदल देना है। अब जैसे इस पर चेंज करेंगे तो देखिए दोस्तों आपके सामने ये जो है OTP आ चुका है। क्या नाम है? 782124, 782 7 8 2 1 2 4। तो हमारे ये OTP है। तो उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर वैलिडेशन कोड, वैलिडेट कोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन योर फोन नंबर इज वेरीफाइड, यानी कि हमारा जो फोन नंबर है वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप अकाउंट वेरिफिकेशन। अब दोस्तों आप यहाँ पर अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों बिना वेरीफाई करे आप अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म में, इस प्रोसेस के बिना जो मैंने आपको बताई है अभी के अभी। आप इस प्रोसेस को ध्यान से समझना, चाहे आप इसे रोक कर भी देख सकते हैं कैसे कैसे मैंने यहाँ पर नंबर वेरीफाई किया है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आता है, आपको मैं बता देता हूँ। रंबल पर आपने क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो अपलोड वीडियो के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए अब वीडियो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं 15 GB तक की भी। और यहाँ पर आप जैसे यूट्यूब में अपलोड करते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ऐसे ही कर सकते हैं बिल्कुल। आपने वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने यूट्यूब से डाउनलोड किया है। अब दोस्तों फिर से आपने यूट्यूब पर चले जाना है। अब यूट्यूब पर जाने के बाद बैक करना है, और बैक करने के बाद आपने इस वीडियो को स्टॉप कर देना है। और स्टॉप करने के बाद बताता हूँ आपने करना क्या होगा। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें यहाँ पर हमारी अपलोडिंग हो रही है। और यहाँ पर आपको टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, और यहाँ पर थंबनेल और टैग। तो आपको कैसे मिलेंगे ये सारे? आपको उसी वीडियो से मिलेंगे। तो आपको देखिए सबसे पहले तो इसी का टाइटल आपने कॉपी कर लेना है, जैसे कि मैं कॉपी कर बता रहा हूँ, आपने भी ऐसे कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपकी पहले दिन से ही पहली वीडियो पर मोनेटाइजेशन के थ्रू एड्स चलने शुरू हो जाते हैं और अर्निंग भी होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि कितनी ज़्यादा अर्निंग हो रही थी 16-16 सेकंड की वीडियोज़ पर भी, या 17-17 सेकंड की वीडियोज़ पर भी। अब देखिए दोस्तों आपको इनका डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेना है ऐसे ही दोस्तों, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ, आपने इसे कॉपी कर लेना है। जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर चलता हूँ इस पर। ये दोस्तों एक इंटरनेशनल वेबसाइट है जिससे काफ़ी लोग अर्न करते हैं इंटरनेशनल में। इनके लिए ये मनी जो है बहुत कम है, एक तरह से देखी जाए तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि हमारे लिए इतनी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है यहाँ पर यूट्यूब से भी ज़्यादा, जितनी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोस्तों इंटरनेशनल वेबसाइट है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगली बारी आती है, हमने टाइटल भी दे दिया, डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, और यहाँ पर हमें थंबनेल भी मिल जाते हैं, जैसे कि ये थंबनेल हमने चूज कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टैग भरने होते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा आपने यहाँ पर टैग लेने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा, ट्यूबबडी या VidIQ। वरना दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर टैग फाइंड करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर आपने इसका वीडियो का URL कॉपी करना है और गूगल में चले जाना है। गूगल में जाने के बाद दोस्तों आपने सर्च करना होगा फाइंड टैग। फाइंड टैग के नाम से आपको एक पहली वेबसाइट मिलेगी, सबसे पहले लिंक पर क्लिक करके आपने उसका URL वहां पर पेस्ट कर देना है, और आपको ऑटोमेटिक ये सारे के सारे जितने भी टैग हैं वो जनरेट कर दे देगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं जितने भी हमारे टैग थे, उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देते हैं।
अब देखिए दोस्तों, अपलोड पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमसे ये लाइसेंस पूछेगा कि आपका कौन सा लाइसेंस है, वीडियो मैनेजमेंट का, एक्सक्लूसिव यूट्यूब के साथ है या ये रंबल ओनली है, यानी कि रंबल के लिए बनाया और यूट्यूब। तो दोस्तों आपने यहाँ पर जो सेलेक्ट करना है ना, वो आपने सेलेक्ट करना है नॉन एक्सक्लूसिव सिमिलर टू यूट्यूब, जैसा यूट्यूब है ऐसा ही है। तो दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पर आपको इसे ही यूज़ करना है, रंबल ओनली। अब यहाँ पर दोस्तों तीसरे वाले को ऑप्शन को क्लिक करके ये सारी की सारी ऑप्शन यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रही है, एडिशनल वीडियो इन्फॉर्मेशन, एडिशनल सिनेमैटिक ऑप्शन, तो आपने इसे छोड़ देना है, ये ऑप्शनल है सारा। आपने यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, दोनों के दोनों यस एंड टर्म एंड कंडीशन पर। अब उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सबमिट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगी और आपको एक लिंक भी दे देगा यहाँ पर, जो अपने दोस्तों के साथ सेंड कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर सेंड कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए लोग। अब देखिए मोनेटाइजेशन कोड भी आपको मिल जाएगा, ये आपका मोनेटाइजेशन कोड है जिससे आपकी वीडियो पर एड चलेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल सा प्रोसेस था तो ये कम्प्लीट हो चुका है। तो आपने अगर अपनी वीडियो देखनी है ना तो आपने यहाँ पर क्लिक करना होगा। अभी दोस्तों यहाँ पर एक और प्रोसेस चलती है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रहा, जैसा कि प्लीज वेट टिल योर वीडियो फिनिश। तो आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग होने में 34% यहाँ पर जितना भी टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन आपकी वीडियो ये कंप्लीट होने के बाद पब्लिश हो जाएगी। अब उस पर जो एड की रिवेन्यू आएगा वो कैसे आप यहाँ पर पे करेंगे, यानी कि पे आउट लेंगे, विड्रॉल कैसे लेंगे, अब उसकी बात करते हैं। तो माय अर्निंग में जाना है, अपने अकाउंट में जाकर माय अर्निंग में जाने के बाद दोस्तों आपका सारा का सारा अर्निंग का डैशबोर्ड यहाँ पर एनालिटिक्स में दिखेगा। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर अकाउंट को वेरीफाई भी कर लिया है, अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपनी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, और अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पेपैल आईडी या पेइनर आईडी की देनी होगी, जो से आप यहाँ पर अपने पेमेंट को विड्रॉल लेंगे। पेपैल पेइनर में अपना विड्रॉल ले सकते हैं आप जितना भी अर्निंग करेंगे यहाँ पर। और साथ में दोस्तों आप यहाँ पर रिफरल करके भी अर्निंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये आपकी आईडी है रिफरल, तो आपके जितने नीचे बंदे जुड़ेंगे उतने ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, उनका कमीशन आपको मिलेगा। और यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन पर आप यहाँ पर अपने पेमेंट देख सकते हैं, कितनी आपने अभी तक पेमेंट ली, ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, और इतने सारी आपको ऑप्शन मिलते हैं यूट्यूब की तरह, जैसे यूट्यूब में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो सेंड्रेसिंग, ऑल वीडियोस आपकी कितनी है, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, न्यू फीचर अभी आया है दोस्तों इसमें, मोनेटाइज वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन से आपके मोनेटाइज हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे आपकी पब्लिश हो जाती है तो वो आपकी ऑटोमेटिक मोनेटाइज हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माय लाइसेंस है, आपका लाइसेंस मिल जाता है, पॉलिसी वॉयलेशन मिल जाता है, सब्सक्रिप्शन, क्रिएट चैनल, माय चैनल, ये सारी की सारी आपको मिल जाती है इस अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, rumble.com वेबसाइट के अंदर। तो दोस्तों बिल्कुल बढ़िया प्लेटफॉर्म है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म का, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर अपने अपलोड कर यूट्यूब से कॉपी पेस्ट कर इतनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं जितनी आपने सोची भी नहीं होगी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ये हर वीडियो कितनी ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक याद रहे कि आपको यहाँ पर हिंदी की कोई भी वीडियोस नहीं डालनी है, जैसे कि हिंदी से रिलेटेड, यानी कि आप हिंदी लैंग्वेज वाली वीडियोस यहाँ पर अपलोड ना करें, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि इंटरनेशनल वेबसाइट है, इंग्लिश वाले लोग हैं तो यहाँ पर देखते होंगे सारी वीडियोस इस टाइप की जो वर्ल्ड वाइड देखी जा सकें, तो यहाँ पर आप इस टाइप के वीडियोज़ ही ले सकते हैं, क्यूट पपीज या डॉग, एनिमल्स लवर जैसे काफ़ी लोग देखते भी हैं। अब यहाँ पर देखिए $0.56 यहाँ पर अर्निंग करी है 31 सेकेंड की वीडियो पर, 0.1, और यहाँ पर दोस्तों कम भी है ज़्यादा भी है, लेकिन ज्यादा है ज्यादा, मैंने जैसा कि आपको दिखा था $50 $78 14 सेकंड की वीडियोस पर, तो इतने ज्यादा कम व्यूज पर इतनी ज्यादा अर्निंग और इतनी कम सेकंड की वीडियोस पर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, अगर आप भी अर्निंग करना चाहते हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिससे कि वो भी ट्राई करके अर्निंग कर सकें इस प्लेटफॉर्म की मदद से, rumble.com यूट्यूब की तरह ही है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको सिंपल प्रोसेस है, सब कुछ मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया है। और दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का, तो आप उसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो ख़त्म करते हैं।